हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी गैरेज चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा चेक इंजन के बारे में, जो कि हमारे वॉल्सवैगन पोलो को आ रहा है। और इसको कोड जो आ रहा है वो P0670 आ रहा है। और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको काटेंगे। और यहाँ पे चेक करके, पहले तो मैंने चेक किया था कि P0670 आ रहा था और इसको हीटर प्लग का जो है प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो हमने इसको फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे एक वायर जो है उसकी चेंज थी और इसको चेंज करके हमने फिक्स किया है। ये जो एम्पलीफायर की वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट किया था, तो इस वजह से इसको लोड ज़्यादा हो रहा था फ्यूज़ को, और ये फ्यूज़ जो है चला गया था। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट किया है इधर से, और यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ नहीं थी, इसलिए ये वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट किया था, इसीलिए जो है वहाँ पे चेक इंजन आ रहा था ये फ्यूज़ जाने की वजह से। तो इसको हमने इसको भी डायरेक्ट किया है, इसको भी डायरेक्ट किया है, और पूरे प्लग जो है यहाँ पे, ये जो हीटर प्लग आते हैं, ग्लो प्लग जो आते हैं, उसको हमने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद पूरे जो है अच्छे थे, और यहाँ पे सभी वायरिंग जो है चेक करके यहाँ पे जो है फॉल्ट दिख दिया हमको, और यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद हम लोग जो है उसका एरर काटेंगे, ओबीडी के स्कैनर से हम लोग एरर काटेंगे, और एरर काट के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पूरा एरर जो है पहले तो स्कैन करेंगे, उसके बाद जो है एरर जो है निकालेंगे, क्योंकि उसका फॉल्ट जो है निकल चुका है। और निकलने के बाद हमको फॉल्ट मिल चुका है, पहले से चेक किया था हमने। चेक करने के बाद जो है पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको कि किस तरीके से, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको है पूरा स्कैन करना है। पहले तो पूरी गाड़ी को जो है वायरिंग वगैरह चेक करना है, और वो ग्लो प्लग जो है हीटर प्लग जो है चेक करना है, और उसके बाद जो है आपको इस तरीके से एरर को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों, आपको P0670 को इरेज करना है, यानी कि डिलीट कर देना है अपने पीसी से या फिर अपने ओबीडी स्कैनर से। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको चेक इंजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए आईजी गैरेज चैनल।